हाय गाइस, जाहुल भाई केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे पास है डोमिनार 250 सीसी और इसकी करने जा रहे हैं हम सर्विस। और पहले सर्विस से पहले एक ट्राई मारेंगे, बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी है और गाड़ी का किलोमीटर देखेंगे कितने चली है। दोस्तों, 456 किलोमीटर गाड़ी चली है, फर्स्ट सर्विस आई है हमारे पास और हम इसकी पहले टेस्ट ड्राइव करेंगे और फिर पूरी वीडियो में आप इसकी सर्विस दिखाएंगे। गोल्डी, दोस्तों गाड़ी मैंने चला के देखी, मैंने एक बाइक चलाई तो मुझे बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन लगी। इसकी हम पूरी चेकअप करेंगे, फर्स्ट सर्विस है गाड़ी की और हम आपको पूरी सर्विस में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इसकी डोमिनार की पूरी सर्विस दिखाएंगे आपको। देखो कुछ इस तरह से बाइक लगेगी। चलो, ये हमारा स्टैंड लग गया है और अब हम इसकी करते हैं सर्विस। बिल्कुल न्यू बाइक, फर्स्ट सर्विस है इस बाइक की। ये बाइक के ओनर से भी हम आपको मिलाएंगे, पहले हम इसकी सर्विस करते हैं। की ली हमने इसकी और ये सीट खोली, पीछे से सीट उठेगी इसकी और इसके ये दो बोल्ट हैं 10 नंबर के, ये खुलेंगे। ये इसकी बैटरी है। चलो, एक बोल्ट हम इसको खोलेंगे, 5 नंबर के NL की का है और एक इधर से खोलेंगे। एक बोल्ट ये है 5 नंबर के NL की का, इसे खोलेंगे। एक इधर है, इसको खोलेंगे। एक यहाँ एक कैप है, पहले हम इसको खोलेंगे, 10 नंबर का बोल्ट है इसमें। उसके बाद एक हमारा ये बोल्ट है 14 नंबर का, इसको खोलेंगे। एक हमारा ये बोल्ट है, इसको खोलेंगे और ऐसे ही एक बोल्ट इधर है, इसको खोलेंगे। इस वाले में ये बाइक के ओनर है हमारे सर। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया है सर। अभी तो इस बाइक की फर्स्ट सर्विस है, कंपनी से भी करा सकते थे आप पहली सर्विस है। कंपनी जाके क्या करें भाई, चक्कर मारते रहो, काम होता नहीं है। अच्छा सर, और आप सर्विस इतनी मोहब्बत से करते हो, यहाँ छोड़ने जाने का मन नहीं करता। अच्छा, कितनी बाइक है आप पे? 2 बाइक है। अच्छा, दोनों जो है यहीं से आप ही करते हो। अच्छा, सर्विस से पहले भी स्कूटी थी वो भी आप ही के हवाले थी। अच्छा सर, उससे पहले की जो बाइक थी वो भी आपने करी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और इसका टैंक कवर निकालने हैं। टैंक कवर निकालते समय ध्यान दें, ज़बरदस्ती नहीं करें बिल्कुल भी और धीरे धीरे निकालें आराम से, क्योंकि न्यू बाइक है और ज़बरदस्ती ना करें बिल्कुल। इसमें एक ही रबड़ है, ये चिपकानी पड़ेगी हमें, फोम होती है इसलिए होती है ताकि बाइक हमारी वाइब्रेशन ना करे। ये यहाँ लगी होती है, यहाँ चिपकती है। टैंक कवर बिल्कुल आराम से निकालें, चाहे बेशक 5 मिनट और फालतू लग जाए, कोई तोड़ फोड़ नहीं करें, बिल्कुल आराम से तसल्ली से काम करें। कपलर है क्या? ये देखो इस तरह से कपलर होता है, कपलर को कैसे निकालें ऐसे। फाइनली कपलर बाहर आ गया, टैंक कवर बाहर हमारा। और अब इसका हम टंकी उतारेंगे, ये बोल्ट खोलेंगे और इधर एक ये बोल्ट है और एक ये बोल्ट है, इसको खोलेंगे।
रिलीज करें। एक ही 12 नंबर का बोल्ट हम इसको खोलेंगे टंकी उतारने के लिए बाहर के पानी से। रोकना वीडियो जरा, ये बोल्ट खुलेगा, वीडियो पूरी दिखाएंगे। और दोस्तों इसमें हम आपको एक चीज़ ये देखो, ये फ्यूल पंप है हमारा, शाम तक हाँ एक बजे तक तो भाई कह रहे हैं, एक बजे कोशिश करूँगा कर देंगे क्या। ये देखो एक पाइप हमारा ये निकलेगा, एक कपलर ये निकलेगा हमारा और एक कपलर ये निकलेगा, एक पाइप ये निकलेगा और एक कपलर ये निकलेगा हमारा, ठीक है। टैंक हमारा फाइनली बाहर आ चुका है और अब हम करेंगे इसका एयर फिल्टर के लिए। ये 4 मुख बोल्ट है, ये खोलें तो देखो इस तरह से हैं बोल्ट, एक इधर है 4 मुख बोल्ट। एक इधर है देखो, ये हमारा एयर फिल्टर, ये देखो कितना गंदा हो रहा हमारा एयर फिल्टर, हम इसको साफ करेंगे। और ये हमारा फिल्टर बॉक्स है, हमारा एयर फिल्टर लग चुका है और अब हम इसकी टैंक फिटिंग करते हैं और फिर निकालते हैं इसका इंजन ऑयल। बम लगाते गुड्डी भाई, बम बाद में लगेगी ना, बम के लिए फिटेगा। एक हमारा पाइप है एयर का, अरे ये खोलना पड़ेगा भाई, एक ही वाइट वाला कपलर, एक ही वाइट वाला कपलर एक लेना पड़ेगा थोड़ा क्या हुआ है यार, सर्विस किया था वो बहुत हो रही है ना सोच ज़्यादा। हाँ जी फिल्टर के लिए इतनी मेहनत है बस फिल्टर के लिए। एकदम इसमें क्या हुआ, क्या ये चल सिर्फ हमने वो भैया बंद हो गया। अच्छा चल, अच्छा ठीक है भैया कर दिया। और इसके हम टैंक को फिटिंग कर रहे हैं, टैंक कुछ इस तरह से फिटिंग होता है। हमारा बोल्ट खुल चुका है और इसका हम करने जा रहे हैं इंजन ऑयल चेंज। ये देखो दोस्तों ऑयल की कंडीशन, ये फिल्टर की जाली है, इसको छोटे कण होते हैं इंजन में और डस्ट इसमें फंस जाते हैं। ये देखो ये नई गाड़ी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका यही काम है फिल्टर करना ऑयल को, जो छोटे मोटे कण होते हैं अपने ऊपर चिपका लेता है और इसको हम फिर वॉश करके फिर लगाएंगे। इंजन ऑयल निकल लेते पूरा दोस्तों, गर्म
और ठंडे हो जाए गाड़ी तभी इंजन ऑयल निकालें और इंजन ऑयल तभी डालें, गर्म गाड़ी नहीं होएगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इंजन का जब हम ऑयल बोल्ट टाइट करते हैं तो बोल्ट को एल्युमिनियम का होता है, बिल्कुल हिसाब से टाइट करें उसको। ये इसका ये इंजन ऑयल है मोटोल 7120W50 डेढ़ लीटर। दोस्तों ये फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है, इसमें गाड़ी जैसे हीट होती है तो ये गाड़ी को हीटिंग नहीं होने देता और ये फूकता नहीं है गर्म होने के बाद, ऑयल पूरा रहता है गाड़ी में। इसको पहले सेक कर लें, इसमें सील है और ये किप लेके ऑयल डालें। ये देखें किस तरह बिल्कुल खून की तरह ऑयल है, ये बहुत ही अच्छा इंजन ऑयल है। आप भी अपनी बाइक में इसे डालें, बहुत ही अच्छा ऑयल है। ऑयल डालते समय ऑयल वोल्ट का ज़रूर ध्यान दें। ये इसका कूलेंट है, ये देखो कूलेंट कम है इसमें, और इसके कूलेंट कवर खोलने के लिए ये दो बॉक्स है, दो बोल्ट खुलेंगे और ये कूलेंट टॉप अप करने के लिए ये वाला ढक्कन खोले। बाइक हमारी वॉशिंग हो गई, भैया दिखा दे, लिफ्टिंग तो मैं करूँगा, पकड़ दो। वीडियो ऑन है, बाइक हमारी वॉशिंग हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आती रहे। दोस्तों ये गाड़ी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, बिल्कुल हमने अच्छी तरह से चेक कर ली है गाड़ी को और अब गाड़ी करते हैं डिलीवर। ओके okay।